हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम करमजीत। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। द क्वेस्ट ऑफ करमजीत चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ये जो लेक्चर है, पहली बात तो ये कि एक दिन लेट है, क्योंकि मैंने आप सबसे परमिशन आपसे मतलब आपको मैंने एक तरह से परमिशन की तरह ही कहा था कि जो लेक्चर होगा वो संडे को और वेंसडे को ज़रूर आएगा। ये एक दिन लेक्चर लेट है, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ, ऑफलाइन लेक्चर भी होते हैं, तो उस वजह से मुझे जितना मुझे टाइम मिल पाता है तो मैं उसी हिसाब से अपना एडजस्टमेंट करता हूँ। आज मैं एडजस्टमेंट कर पाया हूँ तो इसलिए मैं आपके सामने ये लेक्चर लेके आया हूँ। और चैप्टर जिस तरह से आप देख ही रहे हैं, चैप्टर क्या है, एक्टिव एंड पैसिव। यस, एक्टिव एंड पैसिव। तो जो एक्टिव पैसिव है चैप्टर है, इसको लर्न करने का सबसे बेस्ट वे जो है, मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। ये जो लेक्चर है ये तीन पार्ट्स में आएगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आज दे रहा हूं, सेकंड पार्ट आपका वेंसडे को आ जाएगा, थर्ड पार्ट उसके बाद आएगा। तो इसी तरह से बीच में एक आधा मैं स्लाइड बना दूंगा जिसमें आपको कुछ मतलब आप यूटिलाइज कर पाएंगे इस लेक्चर को, तो वो सारी चीजें, तमाम चीजें आपको पता चल जाएंगी। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस करवाई हैं उसका जो लेवल है वो एक बहुत अच्छा लेवल मैंने करवाया है। और जो अभी हाल ही में जो 31 जनवरी को एक एग्ज़ाम हुआ था पंजाब जेल सुपरिटेंडेंट का, तो उसमें जो क्वालिटी है क्वेश्चन की उससे मतलब बिल्कुल मैच करती है। जब मैंने उस पेपर को एनालाइज किया तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ बताई हुई थी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो मेरे लेक्चर्स हैं वो बहुत ही थोड़ा आप सिस्टमेटिकल तरीके से देखिए, इसको आप यूटिलाइज करिए और नोट जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप अपनी नोटबुक जरूर बनाइए। तो आज का जो लेक्चर है ये फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, और सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसका अभी जो होगा नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल के ऊपर जब आप मतलब आप पहुंचना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, जैसे आप ये वाला हैशटैग जैसे आप करेंगे डायरेक्टली आप मेरे यूट्यूब के ऊपर पहुंच जाएंगे। 90 के आसपास वीडियोस हैं वहां पर, 90 वीडियोस मैंने बना रखी हैं और बहुत जल्दी 100 क्रॉस भी हो जाएंगे, होप फॉर द बेस्ट, ये हम कर जाएंगे। और आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग लर्न करेंगे। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एक्टिव और पैसिव क्या होता है, पहले तो इस बात को जानिए। देखिए, एक्टिव और पैसिव जो होता है, टेंस का जो हम टाइम एंड टेंस करते हैं उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कभी भी हम टेंसेस करते हैं, टेंस करते टाइम हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि टेंस जब हम करते हैं उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें जरूर कर लेनी चाहिए। जैसे टेंस में हम एडवांस लेवल होता है एक तो वो, उसके बाद जिसमें हम बिफोर और आफ्टर की बात करते हैं, ये शायद मैंने नहीं करवाया है लेकिन मैं बहुत जल्दी इसका एक लेक्चर भी रहता है करवा दूंगा। बिफोर और आफ्टर जैसे वर्ड्स को हम कैसे यूज करते हैं वो चीजें पता चल जाएंगी। उसके बाद मैंने करवाया था कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, ये भी आपको पता है। उसके बाद हमने किया अभी कुछ हाल ही में कुछ दिन पहले क्वेश्चन टैग्स, तो क्वेश्चन टैग्स करने के बाद ये टेंस का पूरा पार्ट हो जाता है। उसके बाद अब आपको वही टेंस एक्टिव और पैसिव में हेल्प करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने मेरा टेंस का एक बेसिक फंडा नहीं समझा, जिसमें मैंने आपको बताया था टू डू, टू बी और टू हैव, इस तरह से आपको टेंसेस कैसे याद रखने हैं, इन तीनों टेक्निक्स के अकॉर्डिंग आप याद कर लोगे और चौथे टेंस का जो टर्म होती है परफेक्ट कंटीन्यूअस वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा जब ये टू डू, टू बी, टू हैव के अकॉर्डिंग आप याद करेंगे। याद क्या, बस आपको एक बेसिक टर्म समझनी है, क्योंकि टेंस जो स्कूल में हमने 12 टेंसेस यूज किए थे, एक से लेके 12 तक जब हम लर्न करते थे, तो वो चीज नहीं करनी है हमें, हमें एग्जामिनर के माइंड को पकड़ना है और उसके कंपटीशन के लेवल तक जाना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से आप मेरा टेंस का पार्ट देखिए, फिर उसके बाद आप एक्टिव पैसिव पे आइए। चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा एक्टिव और पैसिव क्या होता है। एक्टिव के बारे में देखते हैं, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो परफॉर्म करता है वर्ब के अकॉर्डिंग,
अब जैसे देखिए दे अ सिंह, अगर हम ऐसे बोलेंगे सिंह की जगह पर दे अ सिंह तो मीनिंग क्लियर नहीं होता, तो वर्ब होती है क्रिया, हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे दे सिंग अ सॉन्ग, ये एक एक्टिव वॉइस है। अब इसको हमें घुमा फिरा के बात करनी है, बात वही सेम होती है लेकिन घुमा फिरा के हम बात करेंगे तो वो पैसिव में होती है। तो ज्यादातर देखिए एक्टिव में आपको टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, जो एक्चुअल टेंस होता है, जैसे मैंने टेंस आपको समझाया है। लेकिन पैसिव में क्या होता है, पैसिव में, पैसिव का मतलब होता है एक तरह से परफेक्ट का सेंस होता है, जिसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर भी अब अगर अब इस चीज को देख लीजिए, पढ़ के देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। पैसिव का मतलब देखते हैं पहले, द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, सब्जेक्ट किसी एक्शन को रिसीव करता है वर्ब के द्वारा। अ सॉन्ग इज संग बाय देम, अब देखिए यहां पर क्या था दे सॉन्ग, अब यहां पर सब्जेक्ट फ्रॉम एक्शन बाय द वर्ब, कोई सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से किसी का एक्शन करता है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को वर्ब के द्वारा किसी, अब ये एक्शन है वर्ब के द्वारा, उनके द्वारा किया गया, मतलब कोई काम घुमा फिरा के की गई हो हमें वो पैसिव का ही स्ट्रक्चर होता है, मतलब हम समझते हैं कि वो एक पैसिव का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक्टिव पैसिव जब हम करेंगे, जब भी किसी भी टेंस को उठाएंगे, किसी भी टेंस को जब हम उसका पैसिव बनाएंगे, तो वहां पर सभी में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पहला टिप तो आपके लिए यही है कि जब कभी भी आपने एक्टिव टू पैसिव आप करेंगे, वहां पर उस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होगी, ये तो आप पल्ले बांध लीजिए। क्योंकि जिन लोगों को एक्टिव पैसिव में दिक्कत होती है, एक कुछ टिप्स मैं साथ साथ में बताता जा रहा हूं, सुनते जाइए और नोट करते जाइए उनको नोटबुक के ऊपर, ताकि आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, रूल्स टू चेंज द वॉइस। अब हम रूल्स की बात करते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं। इनको ऐसे नहीं है कि हम 50 रूल कर लें, 100 रूल कर लें, हम टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आज हम सिर्फ टेंस और क्वेश्चन आंसर और कुछ इंटरोगेटिव देखेंगे, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में कुछ और देखेंगे जो इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट वाइल चेंजिंग इन टू पैसिव, इस चीज का आप ध्यान करिए। कोई भी सेंटेंस है, देखिए सबसे पहले हमें, जैसे आप, मैं अक्सर ये मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, और एक दो किसी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बात कही है कि जब आप मैगी बनाते टाइम आप क्या करते हैं, आप उस मैगी को, स्वाद उस मैगी के अंदर लाने के लिए आप क्या डालते हैं, आप इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, आप सोया सॉस डालते हैं, आप मैगी मसाला डालते हैं, आप नमक मिर्च डालते हैं, सब्जियां डालते हैं, या कुछ जो फ्रोजन फूड आइटम्स है वो डालते हैं, नॉन वेज डालते हैं, पता नहीं कितने तरह की मैगीज बनती हैं। ओके, तो अब जब आप अपने तरीके से मैगी जब बनाते हैं तो उसमें आप इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही है, इंग्लिश में भी ऐसे है कि जब सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद उसका वर्ब होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर उसके बाद उसका मेन वर्ब होगा, फिर उसके बाद उसका एडजेक्टिव होगा, फिर उसके बाद नाउन होगा, फिर उसके बाद एडवर्ब होगा। ये सारे क्या हैं, इंग्लिश के ये इंग्रेडिएंट्स हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में 13 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपके एक वीडियो बना रखी है जिसमें आप देखिएगा जरूर, क्योंकि मेरी वीडियोस में ये सारी चीजें, तमाम चीजें मैंने बता रखी हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कैसे काम करता है, आप जब कभी ग्रामर करते हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता है कि जो ग्रामर होती है उसको हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो एक वीडियो बना रखी है मैंने, आप उसको देखिए, तो उसी हिसाब से आप जो भी चैप्टर हैं आप कंप्लीट करिए, देखना आपकी इंग्लिश वाकई में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरह से देखिए, मैं अभी इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा था, तो यहां पर देखिए ही क्या है, ही एक तरह से सब्जेक्ट है। ही राइट अ लेटर, ये राइट यहां पर राइट्स होना चाहिए, यहां पर राइट्स होना चाहिए क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस लगाते हैं, जो कि मैंने टेंस में समझा रखा है आपको, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब देखिए, अब ही राइट्स अ लेटर, तो अब देखिए, अब यहां पर राइट्स है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, तो हमें पैसिव में करना है, तो वहां पर देखिए अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, तो ये जो सब्जेक्ट है वहां जाके ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में, और ये वाला जो होगा अ लेटर वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। अगर एक्टिव का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना,
एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ऑलराइट, चलिए यस, इस स्लाइड को देखिए आप। तो इस स्लाइड में देखिए इसमें क्या कह रहा है, वी यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूजिंग बाय। तो आपको मैंने प्रपोजिशन में एक चीज समझाई थी, जब कभी भी प्रपोजिशन कोई भी वर्ड आता है तो उस केस में हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं, ही टॉक्ड टू मी। नाउ ही टॉक्ड टू मी, अब देखिए ही टॉक्ड टू मी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और फ्रेज है, लेकिन टू के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। तो आपके पास ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, सॉरी प्रपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। सिर्फ एक चीज को छोड़ के वो मैं आपको अभी बता देता हूं। जैसे देखिए लेट वाला केस है, तो लेट वाले केस में आप ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते, यहां पर आपको सब्जेक्ट लेट आई नो इसमें भी ऑब्जेक्टिव होगा सर, यस 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 इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। जैसे लेट मी होता है ना, तो लेट के बाद आई आता है ना, तो लेट के बाद आई आता है ये गलत होता है, और लेट के बाद मी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टर्म को भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव सेंटेंसेस। मैंने आपको अभी जस्ट यही चीज बताई कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसका मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप ना तो देखिए किसी भी एग्जामिनर आपसे क्या कहेगा, एग्जामिनर आपको चेंज ऑफ वॉइस में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे देगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देगा। पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, वर्ब के साथ एस और एस यूज करना हो करके दे देगा, तो ये सारे सेंटेंस गलत हो जाएंगे पैसिव की फॉर्म में। ऑलराइट, तो जब कभी भी सेंटेंस में आपको यूज क्या करना है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ना कि सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, ये कुछ भी यूज नहीं करना है, क्योंकि क्योंकि पैसिव के सेंटेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि हम चेंज ऑफ वॉइस कर रहे हैं तो वहां पर हमें पैसिव का एक इस तरह से हमें समझना है। नेक्स्ट चलते हैं, सी द रूल ऑफ टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब गवर्न्ड बाय द न्यू सब्जेक्ट। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट मैं जब कभी अपनी ऑफलाइन क्लासेस में जब ये पूछता हूं कि टू बी का मतलब क्या है, ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है और एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करता है। तो मैं आपको हमेशा से एक ही चीज बोलता हूं, टू डू, टू बी एंड टू हैव की टर्म को आप समझ के रखिए। टेंसेस को अगर आप इस तरीके से लर्न करते हैं तो मुझे लगता है कि आप इजीली लर्न कर जाएंगे। तो टू डू का मतलब क्या होता है, टू डू का मतलब सिंपल सिंपल फंडा, हम इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं। देखिए टू डू का मतलब होता है इंडेफिनेट। अभी यहाँ पर जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर कर रहे हैं वो नोट कर लें, टू बी का मतलब होता है इज एम आर, ओके, एंड टू हैव का मतलब होता है हैज, हैड, हैव। ये मैंने कहाँ बताया, ये मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब की, जहां हमने वर्ब किया है वहां पर ये चीज समझी है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। यहां पर देखिए अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं एक बार, इसको मैं रब कर देता हूं, इसको पॉज करके आप एक बार इसको नोट जरूर कर लेना। तो आप देखिए, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब इज गवर्न्ड बाय द न्यू सब्जेक्ट। देखिए शी इज हेल्पिंग, नाउ शी इज हेल्पिंग इज व्हाट, हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं एक्टिव के फॉर्म में। देखिए शी इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिर हमारा जब सब्जेक्ट होगा ये वाला प्लूरल, तो उसी के हिसाब से फिर हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, आप जरूर मेरा लेक्चर देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के मैंने 3 लेक्चर बना रखे हैं, उसको आप जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में इस तरह से मैंने वो चीज़ें समझाई हुई हैं, द स्टूडेंट आर बीइंग हेल्प्ड बाय हर, अब शी चेंज इनटू हर, बाय के बाद हम ऑब्जेक्टिव करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इस टेबल को देखिए, देखिए टेबल टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंसेस इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव। देखिए अब क्या होता है, ये वाले जितने वर्ड होते हैं सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं और ये वाले जो वर्ड होते हैं ये लास्ट में होते हैं। जैसे आई चेंज हो जाता है मी में, वेट, यस, आई चेंज हो जाता है मी में, ही हिम में, शी हर में, दे देम में, यू का यू रहता है, वी चेंज इनटू अस, इट का इट,
हु का होम। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चों को जब प्रोनाउन के मैंने लेक्चर लिए हैं उसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने समझाया है कि जो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है वो कैसे काम करता है। अब इस टेंस को देखिए, अब देखिए यहाँ पर असली गेम आपकी शुरू होनी, जो गेम है आपकी गेम की शुरुआत हो जाती है कि किस तरह से टेंस को हम याद कर सकते हैं। देखिए ये एक टेंस का चार्ट है, यहाँ पर ये जो टेंस है ये एक्टिव की फॉर्म में है, मतलब कोई भी टेंस जो है वो एक्टिव में एज इट इज़ इसी तरह से आपसे एग्जामिनर एक्टिव से पैसिव अगर पूछता है तो आपको यहाँ पर ऐसे चेंज करना है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, टू बी, अब टू बी का मतलब वही इज एम आर, इज एम आर के साथ हम क्या लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए अब टू बी में हम क्या करते हैं कॉन्टिन्यूस की, इसका मतलब है हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट में यहां पर देखिए सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाता है यहां पर, जबकि हम सिंपल प्रेजेंट में एस सूर्यस लगाते हैं, इज एम आर के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म या अगर गो वेंट गोन, यहां पर गो है तो वहां पर गोन हो जाएगा। ठीक है सिंपल पास्ट टेंस में देखिए वेंट लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर वेंट ना हो सेंटेंस में तो ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल ही दिए, वैसे सेंटेंस में कोई और वर्ड भी आ सकता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसी तरह से हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सिंपल फ्यूचर में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल टेंस में तो हम उसको चेंज करते टाइम शैल के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। अगला चार्ट देखिए, यहाँ पर सेम कॉन्टिन्यूज में इज एम आर अगर आता है तो हम बींग लगा के उसको चेंज कर देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूज बस एक चीज बी की जगह पर हम बींग लगा देते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूज में वॉज वर्ब के साथ वही सेम चीज बींग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव के फॉर्म में, लेकिन पैसिव में जाते टाइम इस तरह से यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन हैड बीन के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पैसिव कर रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ हम क्या करते हैं शैल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हम जब उसको पैसिव करते हैं तो सिर्फ बीन ऐड करते हैं, बाकी एज इट इज टेंस रहता है। तो ये जो चार्ट मैंने आपको ये दो चीज़ों में मैंने बताया, मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। यस इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट चलिए, टेंस वाइल चेंजिंग द वॉइस, अब वही चीज़ है, वैसे तो उसमें मैंने चार्ट में बताया कि इस तरह से चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर अब हम डिटेल में समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, शी स्पीक्स हिंदी, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, जैसे शी है सब्जेक्ट, स्पीक्स क्या है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, क्योंकि हमें पता थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस और एस लगाते हैं, ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ। एंड उसके बाद हिंदी इज ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओके, तो ये एक्टिव का फॉर्म है, इसको हम अगर पैसिव में चेंज करें तो हम क्या करेंगे टू बी के फॉर्म के साथ हम क्या करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद बाय एजेंट करेंगे, वही सेम चीज सब्जेक्ट के साथ हम हिंदी इज अ सब्जेक्ट, टू बी इज अ फॉर्म, क्योंकि हिंदी इज अ सिंगुलर इसलिए हम इज यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन इज अ वर्ब्स थर्ड फॉर्म, एंड बाय तो एक ऐड करना है हमें, और हर शी के अकॉर्डिंग हमने यूज किया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे चेंज करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देखिए, अब यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव फॉर्म ये रहा और पैसिव ये रहा। देखिए शी इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, एज सिंपल एज दैट। देखिए नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, अब देखिए ये एक पैसिव है इसका एक्टिव बनाना है, तो अब हमें क्या करना है आई को यहां पर लेके जाना है, आई के साथ हम हैज तो लगाते नहीं है, देखिए आपने कभी सुना है आई हैज नहीं होता, आई हैव होता है, तो आई के साथ हम हैव लगाते हैं, तो आई हैव रिटन, रिटन इज अ थर्ड फॉर्म अ लेटर, तो आई हैव रिटन, हमें वहां पर हमने पैसिव में बीन यूज किया था, देखिए यहां देखिए तो हमने क्या यूज किया था पैसिव में बीन, जबकि वो सेंटेंस क्या है एक तरह से पैसिव है, हमें एक्टिव में करना है, तो फिर हम एक्टिव में कैसे करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे। आप समझिए कोई भी एग्जामिनर है वो आपसे एक्टिव टू पैसिव पूछ सकता है या पैसिव टू एक्टिव पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ये आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए पास्ट इंडेफिनाइट, सिंपल पास्ट टेंस में देखिए आई एट पिज्जा, अब यहां पर ये क्या है पिज्जा इज अ थर्ड मतलब नाउन, नाउन यहां पर आ जाता है तो पिज्जा क्या हुआ सिंगुलर, तो वॉज ईटन बाय हिम, ही का हिम। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे होगा, रोहिणी वॉज ड्राइविंग अ कार, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ड्राइविंग
और राइडिंग में क्या फ़र्क है, देखते हैं कौन मेरा लेक्चर देखता है। इन दोनों में आपने फ़र्क बताना है, राइडिंग और ड्राइविंग में क्या फ़र्क है, ठीक है। चलिए, तो रोहिणी वॉज ड्राइविंग, तो अ कार वॉज बींग ड्राइवन बाय रोहिणी, वही सेम चीज़, रोहिणी यहाँ पर, रोहिणी यहाँ पर आ गया, अ कार यहाँ पर आ जाता है, तो अ कार सिंगुलर है, वॉज बींग ड्राइवन। पास परफेक्ट देखिए, दे हैड किल्ड अ पेंगुलिन, अरे बाप रे, ये तो भाई एक कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड हो गया आजकल, क्योंकि चाइना वाले बोल रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो पेंगुलिन से हुआ है, तो ये तो अब उनकी थ्योरी है, WHO की टीम वहाँ पर पहुँची हुई है, पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या होगा वहाँ पर। भाई वाकई में 1.5 साल पूरा बर्बाद हो गया पूरी दुनिया का, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है वो बहुत पहले से चल रहा था, तो ये एकदम से जब उनके कंट्रोल से बाहर हो गया तो पूरी दुनिया में फैल गया। ये कुछ साजिश भी हो सकती है, लेकिन अभी तक ये चीज़ें प्रूफ नहीं हुई हैं। चलिए हम इस टॉपिक से भटके ना, अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। दे हैड किल्ड अ पेंगुलिन, अ पेंगुलिन हैड बीन किल्ड बाय देम, राइट, दे चेंज इन टू देम, आई थिंक मैंने प्लूरल का नहीं बताया था, दे देम में चेंज हो जाता है, दीज दोज में चेंज हो जाता है, ओके। चलिए फ्यूचर इंडेफिनाइट में, तो हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब वो पैसिव में हो जाता है, यू विल बी कॉल्ड बाय देम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, राहुल विल हैव रिटन एन आर्टिकल, तो ये वाला पहले आ जाएगा, यहां देखिए, एन आर्टिकल विल हैव बीन रिटन बाय राहुल। चलिए, आई होप आपको, देखिए अब यहां पर ये जो हमने अभी किया है, ये आपको टेंस की जो बारीकियां हैं वो सिखाता है। आप जैसे बार 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 इसकी रिवीजन करेंगे, टेंस आपके माइंड में छप जाएंगे। आपको पता है, मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आता था, और जब मैच्योर हुआ तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो टेंसेस उतने ही आसान हैं जितना आपको मुश्किल दिखता है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बड़ी आसान चीज़ें हैं, बस आपको एक कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है टेंस के अंदर, कि कोई जो टेंस है वो किस तरह से चेंज हो सकता है, कैसे कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इट इज़ अप टू योर प्रैक्टिस। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस, तो कोई वर्ड जो इंटरोगेटिव होता है तो कैसे होता है वो देख लेते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव का इस तरह से रहता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में आता है, फिर बींग आता है, थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय आता है, फिर एजेंट आता है, आई मीन ऑब्जेक्ट आता है। एजेंट और ऑब्जेक्ट में आप फर्क, आपको यही है, कोई भी फर्क नहीं है तो एजेंट कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो, दोनों ही सेम होते हैं। यस और नो वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखिए, क्वेश्चन बिगनिंग विद इज एम आर, आर यू प्लफिंग द फील्ड, आप देखिए यहाँ पर ये एक्टिव है, सिर्फ कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो इज द फील्ड, वही सेम चीज, इज द फील्ड बींग प्लफ्ड बाय देम, अब यहां पर बींग लगा क्योंकि हमने पैसिव में बींग समझा था, वही सेम चीज यहां पर लगेगी। अब यहां पर देखिए, आई एम आई कैचिंग द पैरट, अब देखिए कैचिंग, ये हमें कैसे पता चलेगा ये एक्टिव है, क्योंकि एक्टिव में सेम टेंस की तरह वर्ड होता है, और पैसिव में क्या, सॉरी, तो एक्टिव में आपको टेंस के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं, और पैसिव में बींग लगा होता है। आपको पता है कि जब आप टेंस का चार्ट देखेंगे, वहां से एक्टिव टू पैसिव जब आप बात करोगे, तो उन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन बिगनिंग विद डू डज, वही सेम चीज, डू से डू यू, यू के साथ हम डू लगाते हैं, लाइक रोजेस, रोजेस क्या है, नाउन है, तो डू यू के साथ डू यू, यू डू, डू यू, ठीक है। रोजेज आर लाइक्ड बाय यू, तो रोजेज एक तरह से, यहां देखिए एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये एक तरह से ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर आके क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, आर रोजेज, तो हमें क्योंकि डू से किया हुआ है, तो हम आर रोजेज लाइक्ड बाय यू। क्वेश्चन बिगनिंग विद डिड, डिड से रिलेटेड, चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, करेक्ट द, चूज द करेक्ट द सेंटेंस, आपको इसमें से सेंटेंस करेक्ट ढूंढना है, करिए। डिड शी हेल्प्स यू, वर यू हेल्प्ड बाय हर, वॉज यू हेल्प्ड बाय हर, डिड यू वॉज हेल्प्ड बाय, अब देखिए डिड भी है वॉज भी है, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया, वॉज यू, यू के साथ वॉज लगता है, यू वर आता है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ई। अब देखिए बारीकियां समझ में आ जाएंगी तो आपको क्वेश्चन ढूंढने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ऑलराइट। तो डिड के साथ पता ही आपको, हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन बिगनिंग विद वॉज वर, अब वही सेम चीज, वॉज होगा तो वी वन प्लस आई एन जी होगा, वो एक्टिव की फॉर्म में होगा, अब पैसिव में बींग आएगा, जहां कहीं पर भी बींग लिखा हो, दिस इज योर आंसर, तो वहां पर वर द क्लोथ्स, क्लोथ्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने यहां पर वर लगाया, क्योंकि
यहाँ पर अदर्स नहीं आएगा, यहाँ पर वॉशिंग द क्लोथ्स आएगा, यहाँ पर सॉरी अदर्स बाय मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर आप क्लोथ्स कर लीजिएगा प्लीज़। यस जब कभी मैं पढ़ाता हूँ ना तो मुझे कुछ क्वेश्चन याद आ जाते हैं। चलिए मुझे बताइए क्लोथ और क्लोथ्स में क्या फ़र्क होता है। आज आपके लिए दो क्वेश्चन है, बताइए मुझे क्लोथ और क्लोथ्स के बारे में बताइए। ठीक है चलिए, क्वेश्चन बिगनिंग विद हैज़ हैव हैड, देखिए परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और अगर हम उसको पैसिव करेंगे तो हैव अ मैच बीन आएगा, यहाँ पर बीन आना चाहिए, बीन प्लेड बाय हर, ठीक है यहाँ पर बीन आना चाहिए, यहाँ पर मिस है। ठीक है चलिए नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन बिगनिंग विद मॉडल ऑक्सिलरी, वही सेम चीज, मॉडल से शुरू होने वाला मॉडल का ही रहेगा। मे ही क्रॉस द रोड, मे द रोड बी क्रॉस्ड बाय हिम। अब देखिए मे बी हम यूज करते हैं ना, मे बी कमिंग, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, मे बी कम ये एक्टिव का सॉरी पैसिव का है, तो यहाँ पर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। ऐसी देखिए विल के बाद, विल यू स्पीक इन रशिया, रशियन रशियन यस, विल यू स्पीक इन रशियन, तो देखिए रशियन क्या है ऑब्जेक्ट है, विल रशियन बी स्पोकन बाय यू। अब देखिए यहाँ पर वही सेम चीज़ है, मॉडल के अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया है। क्वेश्चन बिगनिंग विद डब्ल्यू एच फैमिली, आप देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के अकॉर्डिंग वही सेम चीज़, एक्टिव में डब्ल्यू एच ऐसे रहता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव में वही डब्ल्यू एच ऑक्सिलरी सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय फिर ऑब्जेक्ट, बस ये सीक्वेंस देखना है कि पैसिव में तो बाय आएगा ही आएगा और थर्ड फॉर्म भी आएगी, बस इसी चीज़ से आपको देखना है। जैसे जैसे देखिए, व्हाट डिड शी स्टील, उसने क्या चुराया, What was stolen by her? Okay. Why are you laughing at her? अब देखिए auxiliary verb है ना, तो why she is being laughed by at by laughed at एक तरह से phrasal verb है by you. तो I hope आपको ये lecture इतना जो मैंने आपको समझाया, देखिए एकदम से छलांग लगाना ठीक नहीं है, आपको इसी तरह से ही learn करना है। आप सिर्फ टेंस को इस तरीके से देखिए कि आपने टेंस की बहुत सारी बारीकियां आपने अगर आपको आती हैं, आप सच में कह रहा हूँ कि चेंज ऑफ वॉइस आपके लिए बहुत बड़ी गेम नहीं है। किसी भी चैप्टर को लर्न करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप कभी भी, जब कभी भी आपने कोचिंग शुरू करनी है तो आप हमेशा चीज़ों को इजी टू मॉडरेट तो लेके जाएंगे ही, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी लर्न करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि क्योंकि मैं सबसे पहले, मेरा फोकस यही था कि मैं सबसे पहले ग्रामर करा लूँ, ताकि बच्चा मुझे ये ना कहे कि सर आपने चैप्टर तो करवाया नहीं, आप डायरेक्टली सॉल्व कराने लग गए। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप ग्रामर करिए, ग्रामर करने के बाद आप ईजिली जो क्वेश्चन है आपके, फिर आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आपने नोटबुक के ऊपर ज़रूर उतार लेना ज़रूर, और बाकी के प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो भी आपने उतार लिए होंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे हैप्पी स्टे सेफ, जय हिंद जय भारत जय किसान, स्टे ट्यून्ड। और हाँ एक चीज़ और, आप अपने जो नियर एंड डियर हैं उनके पास आप मेरी जो वीडियोज़ हैं आप इनको ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि मैं बहुत मतलब मैं आगे आपके जो सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा, ज़रूर लेके आऊँगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी स्टे सेफ, जय हिंद जय भारत जय किसान, स्टे ट्यून्ड।